आज मैं आपके साथ आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया काढ़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बढ़ेगी। और अभी आपको पता है COVID-19 का कहर कितना बड़ा होता जा रहा है। बदलते मौसम में संक्रमण और खांसी जुखाम वगैरह का बहुत ही ज्यादा डर रहता है फ्रेंड्स। तो आप गर्म पानी का सेवन करें, काढ़ा का सेवन करें। ये सारी चीजें हमें हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी बताई गई हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप अपना ध्यान रखिए। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो रोगों से हम बच सकते हैं, संक्रमण से हम बच सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं काढ़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर 1 लीटर पानी ले लेते हैं। तो ये काढ़ा आप 2 दिन तक भी पी सकते हो एक बार बनाने के बाद में। तो मैं 1 लीटर पानी के साथ में इसको बना रही हूँ। तो ये हमारा 6 जन के लिए काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसको बॉईल आने देते हैं और इसके बाद में मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने ये 15 काली मिर्च ले ली है, 15 से 16 काली मिर्च लेनी है अगर आप 1 लीटर पानी के साथ में बना रहे हैं। तो इनको हम दरदरा सा कूट लेते हैं और इसी के साथ में जब तक पानी बॉईल होगा हम बाकी के मसाले भी इसमें ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें 8 लौंग ले लेनी है और 4 इसमें हम हरी इलायची ले लेंगे, यानी 4, 8 और 16 हमने इस तरह से इसके अंदर ये ले लिया है। हमें इस काढ़े के लिए इलायची पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर या लौंग का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है, उससे ये ज़्यादा तीखा हो जाता है फ्रेंड्स। आप इसको इस तरह से कूट कर ले तो इसकी हमें पूरे जो फायदे हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा चरचरा नहीं होगा। इस तरीके से दरदरा सा कूटें। अगर आप चाहें तो इस काढ़े को बच्चे को भी दे सकते हैं, 3 साल से बड़े बच्चों को आप चम्मच के हिसाब से दे सकते हैं 2-3 चम्मच। तो ये काढ़ा सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसी तरीके से हमें इसको कूट कर ले लेना है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी की जो सामग्री रहेगी कूटने की उसको भी हम ऐसे ही कूट सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा इसको हमने कूट लिया है। अब इसके बाद में हम पानी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे ये मैंने 2 इंच जो दालचीनी होती है उसके टुकड़े लिए हैं और इनको हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल देते हैं। आप चाहें तो कूटकर भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी इसका पूरा अरक अच्छे से आ जाता है। अब जैसे ही पानी के अंदर बॉईल आने लग जाएगा तो हम ये कूटी हुई सामग्री भी इसके अंदर डाल देते हैं, यानी लौंग, काली मिर्ची और हरी इलायची। इनको डालकर भी इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से बॉईल करना है ताकि सभी जो ये सामग्री हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर इसका पूरा पूरा हमें फायदा मिल जाए फ्रेंड्स। और जो ये चीज़ें ऐड कर रही हैं ये इस काढ़े के अंदर बहुत ही ज़रूरी हैं, तो आप इनको डालकर ही बनाएं। इसके बाद में हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको इसके अंदर आप ग्रेट करके या फिर आप इसको कूट कर भी डाल सकते हो। अदरक हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, सर्दी जुखाम खांसी से हमें बचाती है। तो इसलिए अदरक और ये जो सामग्री मैं बता रही हूँ ये ज़रूर डालें, ये घरों में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ली है ये सामग्री जो इसमें सबसे खास और सबसे ज़्यादा फायदा देने वाली है। तो ये काले अंगूर की जो किशमिश होती है वो है फ्रेंड्स, ये आप इस काढ़े में ज़रूर शामिल करना। इसके अपने बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे शरीर के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप इनको कूट कर इसके अंदर, अगर आप 1 लीटर से बना रहे हैं तो 8 से 10 किशमिश इसके अंदर ऐड कीजिए। इससे एक तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा और दूसरा इसके फायदे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 10-15 तुलसी के पत्ते। अगर आपके पास तुलसी लगी हुई है तो तुलसी के पत्ते ले लें, और अगर आपके पास तुलसी नहीं लगी हुई है तो आपके पास ग्रीन टी होगी घर में, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल भी इसके अंदर कर सकते हो। 1 चम्मच ग्रीन टी इसके अंदर ऐड करके भी आप इसको बना सकते हो। और अगर घर में तुलसी है तो क्या बात है, आप तुलसी के साथ इसको बिल्कुल अच्छे से बनाइए। अब इनको हमें बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको सर्दी जुखाम खांसी वगैरह है तो आप इसके अंदर ऐड कर दें 1 छोटा चम्मच अजवाइन। और अगर सर्दी जुखाम की आपको दिक्कत नहीं है, आप केवल इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बना रहे हैं, तो आप बाकी की सामग्री के साथ बना सकते हो। और सर्दी जुखाम है तो आप इसमें 1 चम्मच अजवाइन ऐड कर लें तो ये ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। इसके बाद में फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। ये जो हल्दी हम ऐड कर रहे हैं ये बिल्कुल कंपल्सरी है इसके अंदर। बस हल्दी जो कच्ची वाली हल्दी होती है वो है, तो आप वो डाल लें 1 इंच टुकड़ा इसके अंदर ग्रेट करके,
और नहीं है तो आप इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि कच्ची हल्दी वैसे सभी घरों में और हर मौसम में नहीं मिल पाती है, इसलिए आप इसके अंदर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये जो काढ़ा है हमारा बॉईल होने के बाद में, और ये 3/4 बचा हुआ है यानी 700 ml के आसपास, तो अब बारी है इसमें मीठा ऐड करने की। तो यहाँ पे हम इसके अंदर गुड़ ऐड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम सर्दी जुकाम के लिए बना रहे हैं, तो बेटर है आप इसके अंदर गुड़ ऐड करें, और अगर आप बच्चों को भी दे रहे हैं तो इसमें गुड़ ऐड कर ले, लेकिन इसकी मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें आपको कितना मीठा लगेगा। तो मैं यहाँ पे 50 ग्राम गुड़ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और अगर आप गुड़ ऐड नहीं करना चाहते हैं इसके अंदर, इसको बिल्कुल हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें उसका तरीका भी बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसमें से गुड़ स्किप कर दें, और बाकी की जो सामग्री हमने ली है ये बिल्कुल कंपल्सरी है इसके अंदर, इसके बिना आपका काढ़ा परफेक्ट नहीं बनेगा। तो सारी सामग्री के साथ में आप इसको बनाएं। अब यहाँ पे हमने इसको इतना बॉईल करना है फ्रेंड्स मीडियम आंच पे कि ये अपनी मात्रा से आधा बच जाए, यानी हमने 1 लीटर लिया था तो ये 500 ml ही बचना चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल आधा सा ये काढ़ा हमारा बचकर तैयार हो गया है, और इसको हमने लगभग 15-16 मिनट तक पकाया है। पहले फुल आंच पे पकाया और फिर इसको हमने बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाकर तैयार किया है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम छान लेते हैं। अब जब हम इसको कप में छान रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपने मीठा ऐड नहीं किया हो तो आप इस टाइम पे जब आप पी रहे हैं काढ़ा को, तो 1 चम्मच शहद जो होता है ना, शहद इसके अंदर ऐड कर लें और इसको मिला लें, लेकिन बेटर है आप इसके अंदर गुड़ डालकर मिलाए तो भी ये बहुत ही बढ़िया बनता है और हेल्दी बनता है। तो यहाँ पे हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो 3-4 चम्मच से आप शुरुआत करें, 3 साल से छोटे बच्चे को आप ये ना दें, उससे बड़े बच्चे को ही आप ये काढ़ा दे, और ज़्यादा भी ना दे, बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में आप इस काढ़े को दे, और आप 1 कप काढ़ा का सेवन कर सकते हो। अब ये आपका जो मसाला बचा हुआ है इससे आप एक बार और काढ़ा बना सकते हो, और अगर आपने इसके अंदर अजवाइन नहीं ऐड की है तो आप इसके साथ चाय भी बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी मसाला चाय बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।